हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं हूँ किचन में। अपने लिए गर्म कर रही हूँ पानी और इनके लिए बनाया है मैंने ये काढ़ा। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग रूटीन के सुबह में हम जो है तो क्या क्या करते हैं। तो अभी मैं पीऊँगी पहले गर्म पानी। सुबह सुबह में गर्म पानी पीती हूँ मैं, लगभग आधा लीटर। तो बच्चे अभी सो रहे हैं चुपकुन्नति। तो और फिर हम अब पानी वगैरह पीने के बाद और फ्रेश वगैरह होने के बाद जाएंगे वॉक के लिए। चलिए आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये है गर्म पानी, बैठ के पीना है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ वॉक करने जाने के लिए। लगभग बज गए हैं 6, आधा घंटा जो है तो हमें बाकी के काम निपटाने में लग गया। तो मैं और ये जाएंगे अब वॉक करने के लिए। यहाँ पे रोड है, एक हाईवे है, पर अभी वो बंद है, काम चल रहा है, तो इसमें मुझे थोड़ी वॉक करते हैं। ये है कालू, कम कम कालू कम। मस्ती के मूड में ये जो है तो रोज जब हम वॉक करने के लिए आते हैं तो रोज डेली आता है। फिर ये हमारे साथ घर जाएगा और फिर पिएगा ये दूध, तो इसलिए साथ ही रहता है सुबह सुबह में। तो ये जो है बीच में रोड खाली है लगभग 1 किलोमीटर की, और ये साइड में ट्रैफिक है और ये साइड ट्रैफिक है। तो गाइस हमें हो चुका है आधा घंटा वॉक करते हुए, और तुम क्यों आ रहे हो खेत में? तो ये है हाईवे, तो ये सड़क अभी नई नई बनी है तो इसलिए ये बंद है, दूसरी साइड खुली है। तो तुम ना आ रहे हो कैमरे में? आगे भी आगे। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है हमें वॉक करते हुए, और करेंगे आधा घंटा, फिर मिलते हैं सीधे घर। तो गाइस वॉक करने के बाद आ चुके हैं हम घर, और अब करेंगे योगा, आसन प्राणायाम वगैरह। तो ये भी हमारे मॉर्निंग रूटीन में शामिल है। तो अब करेंगे हम योगा। तो बच्चे भी उठ गए हैं, पहले दूरी में ही दूध। हाँ बताओ जी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दूध, और इसमें डाला है मैंने पतंजलि का पावर वीटा। फिर से रामदेव बाबा की जय। तो ये मैंने कर दिया है दूध रेडी, और पीछे बाबा जी चल बोल रहे हैं। और रात जो है तो मैं मेहंदी भिगोना भूल गई थी, तो मैं अब पहले भिगो दूंगी मेहंदी, क्योंकि पिछले महीने काफ़ी सर्दी पड़ी है तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। तो ये मेरे मॉर्निंग रूटीन में नहीं है, ये जो है तो मैं रात भिगोना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब भिगो रही हूँ। Thank you.
सौरभ जोशी के फैन, वीडियोस चल रही हैं सौरभ जोशी की और दोनों देख रहे हैं वीडियोस। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के वीडियो देखने में लगे हैं ये। इससे कटेगी पीछे बंद कर लो टुक्कू। अरे कटेगी है, दुखा रहे थे मुंह। अरे कर लो। ये हैं बचे हुए चावल जो कल के बच गए थे, और ये मैंने सोयाबीन की बड़ी ली हैं कुछ, ये मैंने सोक करके रख दी थी थोड़ा गर्म पानी में नमक डालकर तो। और ये है एक टमाटर, ना ज़्यादा बारीक काटा है और ना ज़्यादा मोटा। और ये प्याज भी थोड़ी रफली चॉप है, इतनी बारीक नहीं काटी है, बड़े बड़े स्लाइसेस हैं। और इसी तरह है ये शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च ली है छोटी, और ये है मटर और एक हरी मिर्च। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो पहले हम इन सोयाबीन की बड़ी को इसमें भून लेंगे जिससे इनको थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। तो ये बड़ी मैंने निकाल ली हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब डालेंगे एक चम्मच जीरा, हींग, प्याज को बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। इसमें डाल दी है मैंने एक हरी मिर्च। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है बस, और डालेंगे मैं इसमें टमाटर। शिमला मिर्च और मटर यहाँ पर हम डालेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक जिससे कि ये जल्दी से गल जाए। तो ये हमारी जो सब्जियाँ हैं वो ठीक से पक चुकी हैं, देख सकते हैं। और अब इसमें जाएंगे बेसिक से मसाले, थोड़े से लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया, बहुत थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा गरम मसाला, डाल लेंगे चावल, थोड़ा
और सोयाबीन। एक मिनट और इसे ढककर पकाएंगे। तो बचे हुए चावलों की हमारी वेज बिरयानी तैयार हो चुकी है। देखिए इसका लुक, तो आप भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। गुड इवनिंग दोस्तों, तो आज की वीडियो में जो है, तो जो आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।